देश के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को मक्का, धान, तुअर, मूंग, उड़द, सोयाबीन सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर देश के किसानों को तोहफा देने का काम किया है। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से देश भर के राजनीतिक दलों में हलचल का माहौल बना हुआ है। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर गोरखपुर न्यूज के संवाददाता सतीश कुमार गुप्ता ने जिला स्तर पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की तो भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव से पूर्व देश की जनता से जो भी वादे किए थे सभी वादों को लगभग पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान और गरीबों की सरकार है, जिसे ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने खरीद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने मोदी सरकार के इस फैसले को किसानों के साथ छलावा बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने एजेंडे में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने खरीद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामली बढ़त कर किसानों के साथ धोखा किया है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के फसलों पर न्यूनतम समर्थन किया मूल्य में वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसान 4 साल तक आंसू बहाते रहे, वहीं चुनाव करीब आते ही मोदी सरकार को किसानों की याद आई है। उन्होंने कहा कि किसान अब मोदी सरकार के छलावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा आज एक बड़ा फैसला लिया गया, क्या वो फैसला है और किस तरह से किसानों को लाभ मिलेगा? देखिए 26 मई 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय ही उन्होंने कहा था कि मेरे सरकार के एजेंडे में गांव गरीब और किसान होंगे। और तब से आप लेकर के चलें तो आप ये देखेंगे कि यह सरकार 4 वर्ष से ऊपर की कार्यकाल अपनी पूरी कर चुकी है, 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और लगातार जनता के हित में, गरीबों के हित में और किसानों के हित में काम करती चली आ रही है। आज का जो फैसला आया है, आज का जो निर्णय आया है केंद्र सरकार का और जिन्होंने कार्य किए हैं वो निश्चित तौर पे भारत के लिए ऐतिहासिक कदम है। और जो समर्थन मूल्य बढ़ाने का उन्होंने काम किया है और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने उद्बोधनों में एक बात को कहते हैं कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दुगुना करना है। आज उसी तारतम्य के तहत उन्होंने समर्थन मूल्य को जो बढ़ाया है वो ऐतिहासिक कदम है। मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, तो आप इस पर लेकर के देखिए आज तक किसी भी सरकार ने इतना ज़्यादा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया था। निश्चित तौर पे यह गांव गरीब और किसान के प्रति जो उनकी सोच है यह परिभाषित करती है कि भारत अग्रणी भूमिका में और विकासशील देश है ये और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। निश्चित तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं और 2019 आगामी जो चुनाव 2019 में आने वाला है, 2019 में निश्चित तौर पे भारत की सम्मानित जनता एक बार पुनः श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को बागडोर सौंपेगी और वह पुनः भारत के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल जी, चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा किसानों को क्या राहत दिया गया, क्या इसे लॉलीपॉप समझा गया? नहीं, लॉलीपॉप कैसे कह सकते हैं आप? आज देखिए आज तक सरकार के 4 साल निकल गए, 4.5 साल निकल गए। लगातार आप इस बात को भी देखें ना कि जनहित के मुद्दों को लेकर के और चाहे वो गरीब जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो भी किए हैं वो गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। किसानों के लिए आप बताइए आज तक क्या यूरिया में, खाद में कभी आपने देखा कि दाम घटे हों? दाम कभी घटे हैं? दाम लेकिन इस सरकार ने यूरिया के भी दाम घटाए हैं और हम इस बात को लॉलीपॉप नहीं कह सकते। जो भी ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और जो कहते हैं वो करते हैं और सिर्फ देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए ही करते हैं और जनता ही उनका परिवार है। और इसलिए आज का जो ये ऐतिहासिक फैसला है, मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उन्हें पूर्णतः बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। Thank you.
कर दिया 2430 रुपया, जो 1425 रुपये का बाजरा था उसको 1950 कर गया, यानी 2900 हो गया, 1000 बढ़ गया। जो 4100 का सूरजमुखी था उसे 5388 कर दिया, 1000 बढ़ा दिया। जो तेल था 5300 का उसे सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, ये इनका संकल्प पत्र था, और आय दुगुनी करने की जगह पर इन्होंने 200 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाया। अब अगर 1450 था पहले से, तो आय दुगुनी करने का मतलब कि 3100 पर ये किए होते तो ये दोगुना होता, इन्होंने 200 बढ़ा करके अपना गला छुड़ाया है। इन्होंने 1000 से ऊपर प्रति क्विंटल कपास पर बढ़ाया, जो कपास उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरात में ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। इन्होंने तुअर दाल पर, उड़द पर, या जो फसलें ज्वार बाजरा ग्वार जो फसलें गुजरात में महाराष्ट्र में या यूपी के दूसरे प्रांतों में होती हैं, उन फसलों पर इन्होंने 1000 की MSP बढ़ाई है, 500 की 700 की MSP बढ़ाई है। केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को इन्होंने 200 रुपये MSP बढ़ा करके और अपना गला छुड़ाने का काम किया है। किसान अब इनके सारे नाटक को समझ गया है, भारतीय जनता पार्टी के उस चाल को समझ गया है। इन्हें भी उत्तर प्रदेश पर उतना भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार ये अपना उपचुनाव हारे हैं, 4 उपचुनाव, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। हारने के बाद इन्हें लग रहा है कि गुजरात वगैरह में ज़्यादा बढ़ा लो ताकि वहाँ की कुछ सीटें इनके खाते में आ जाएं। तो ये केवल छलावा है, 200 रुपया इनको बढ़ाना है तो 3100 करें। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात अपने संकल्प पत्र में करी है, तो 3100 करना चाहिए, दोगुना तभी 3100 पर ही होगा। इतनी लागत धान की फसल में हो रही है, एक तो बारिश नहीं हो रही, तो किसान के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो धान में पानी चलाकर, खेत में पानी चला करके वो रुपाई कर रहा है। एक बीघा खेत का जो 30 डिसमिल का होता है बीघा, छोटा बीघा, उस एक बीघा खेत में 500 से 700 रुपया रोटावेटर से एक चास जोताई का लग रहा है। उसके पहले 2 राउंड सोमरा करके किसान जो है उसको छोड़े हुए है, उसमें 500-700 लगा। उसके बाद 700 रुपया मजदूर एक बीघा खेत में गड़ाई का ले रहा है, और तब उसके बाद उसके निराई का, गुड़ाई का और खाद का, फिर कई बार के पानी का, और कटाई मड़ाई के बाद वो धान पैदा कितना होगा। एक बीघा जो 30 डिसमिल का होता हमारे यहाँ, वो 5 क्विंटल से 6 क्विंटल पैदा होगा, 6 क्विंटल धान में 3 क्विंटल चावल होगा। तो ऐसे में जो स्थिति इनकी है, जो पैसा लग रहा है एक बीघा खेत में, वो 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा हो जा रहा है किसान का, 8 हज़ार 10 हज़ार तक खर्चा हो जा रहा है। तो उस 10 हज़ार के खर्चे पर, और किसान की मेहनत मजदूरी, रात में जागना और इनके छुट्टा पशुओं से बचाना फसल को, ये तमाम बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो ऐसे में ये नाकाफ़ी है, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ यह नाइंसाफ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसान की हितैषी नहीं कर सकती। इन्होंने अपने संकल्प पत्र के मुताबिक नहीं बढ़ाया है, इन्होंने बढ़ाया नहीं बढ़ाया। हम लोग 1550 जब था तो 1550 में भी किसान मजबूर था कि वह ले जा कर के बेचता था। किसान मजबूर है, उसको लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देते? या इन्होंने जो कहा था कि हम दोगुनी करेंगे, तो आप हमारी या तो दोगुनी कर दो, या तो लाभकारी मूल्य घोषित कर दो कि लाभ कितने पर होगा। आपके पास कृषि वैज्ञानिक हैं, गांव के किसान हैं, कृषि किसानों के प्रतिनिधि हैं, हम खुद किसान हैं, हमारे यहाँ धान की रोपाई चल रही है, तो हमको पता है कि कैसे कैसे होता है धान की रोपाई और कितना पैसा लगता है। जो किसान वही धान का बीज जब खरीदने जाता है, तो समितियों पर, सरकारी समितियों पर वो धान का बीज सब्सिडी के साथ भी अगर मिलता है तो 50 रुपये किलो से अधिक का मिलता है। वह धान को ये 1700 में कैसे ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, वही धान है ना। तो उस धान को जो 50 रुपये में हमको बीज बेचते हैं, 100 रुपये में जो बीज बेचते हैं, जो डंकल है, हाइब्रिड है, वो 200-200 रुपये में बीज बेचते हैं, तो उसी धान को ये 1750 में क्रय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का जवान,
उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा तबका, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार लोग इतने कर लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चाहे जो भी घोषणाएं ये चुनावी कर लें, किसानों को मालूम है कि जब हमारे धान बिकने की बारी आएगी, अभी तो गेहूं जो बेचा गया है 2 महीने हो गया गेहूं तौले, हमारे गेहूं का पेमेंट हमारे खाते में, पिताजी के खाते में नहीं आया है, इनके पास पैसे नहीं हैं, तो किसानों का ये तौलवा तो लेंगे लेकिन ये 200 MSP भी ये नहीं देंगे, चुनाव तक लटका देंगे, पैसा लटका रह जाएगा, चेक इनका बाउंस होता जाता है, तो ये छलावा है, किसान समझ चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी फसलों का जो है समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, क्या कहना है आपको? यह एक पूरी तरह से एक चुनावी जो है एक कदम है। जब केंद्र सरकार 4 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी और इस दौरान देश के लगभग हर राज्यों में, हर ज़िले में किसानों ने तमाम आर्थिक दुश्वारियों के चलते आत्महत्या किया, किसान तमाम संकटों से गुजरे और 4 साल तक केंद्र की सरकार सोती रही, और आज जब लोकसभा का चुनाव करीब आने वाला है और ये तमाम अपने 2014 में जो भी उन्होंने वादे किए थे उससे सारे चीज़ को किसी भी चीज़ में खरा नहीं उतरे हैं, तो आज जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि से संबंधित है, एक कृषि प्रधान देश के रूप में हिंदुस्तान को जाना जाता है, ऐसे समय में एक कदम उठाकर निश्चित रूप से उनको एक लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। और इस कदम को जो इन्होंने उठाया है या जो पॉलिसी लागू की है, इसमें भी बहुत सी खामियां हैं कि आखिर किसानों की लागत का जो एक वो है मानक, उसको कौन तय करेगा, और जो इन्होंने अपने चुनाव के समय में 50% कहा था कुछ जो भी लागत होगा उसका 50% मिनिमम जो है हम कम से कम उस पर बढ़ा के देंगे, लेकिन इन्होंने तमाम प्रोडक्ट पे, अलग अलग प्रोडक्ट पे, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो किसी भी कोई और चीज़ हो, पैदावार हो, उस पर अलग अलग तरह से बढ़ाया, 50% भी नहीं बढ़ाया है। और ये कब से लागू होगा और इसके क्या मतलब, इसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, किसानों को जो भी ये बढ़ाए हैं उन तक ये लाभ सीधे रूप से पहुँचे, निश्चित रूप से ये पूरी जो है एक चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन बहुत से जगह ऐसा देखने में आया को कहीं उनको 14 रुपये का, कहीं उनको 56 रुपये का, कहीं उनको 200 रुपये का एक चेक प्रदान सरकार के द्वारा करके उनके साथ मजाक किया गया। तो इस तरह के चुनावी घोषणाओं से, चुनावी वादों से अब जनता या किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं, निश्चित रूप से 2019 में जो किसानों के हित के वास्तविक हित सोचने वाली पार्टी है उनको निश्चित रूप से लाने का काम करेगी, और ऐसे समय में निश्चित रूप से मोदी जी का ये चुनावी हथकंडा काम नहीं आने वाला है।